हिमाचल प्रदेश में हत्या और रेप जैसे अपराधों के मामलों को समयबद्ध तरीके से सुलझाने के प्रतिशत में सुधार हुआ है। पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश SR मरंडी ने मंडी में सेंट्रल जोन की SHO कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की, जिसमें सेंट्रल जोन के जिलों मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर और लाहौल व स्पीति एवं सभी थानों के SHO, DSP और SP ने भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि भले ही पुलिस हत्या जैसे जघन्य अपराधों को रोक नहीं सकती, मगर ऐसे मामलों को सुलझाने का पुलिस का प्रतिशत सुधरा है। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे में ये पहली बार हो रहा है कि जोन स्तर पर SHO कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके माध्यम से SHO और पुलिस के उच्च अधिकारियों के बीच की दूरी कम हो रही है, उन्हें अपने काम को सही तरीके से अंजाम देने में मदद मिल रही है। इस दौरान पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर चर्चा के अलावा अपराधों में कैसे कमी लाई जाए, जाँच प्रक्रिया, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगाने, भांग उखाड़ो अभियान आदि पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में हर साल 120 से लेकर 130 हत्याओं के मामले पिछले कई सालों से हो रहे हैं। इस साल भी अगस्त माह तक प्रदेश में हत्या के 71 मामले हो चुके हैं, लेकिन इन मामलों को सुलझाने का प्रतिशत बढ़ गया है। अब तक 92% मामले सुलझाए गए हैं। SR मरंडी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस कानून व्यवस्था को सुचारू बनाने में प्रयासरत है, वहीं नशे पर जन सहयोग से अंकुश लगाने की दिशा में भी प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हर थाने में नशा निवारण समिति का गठन किया गया है, जिसके सहयोग से समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर उनकी गुप्त सूचना के आधार पर नशे, खासकर चिट्टे का कारोबार करने वालों को दबोचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को सूचना देने वालों का नाम किसी भी सूरत में उजागर नहीं किया जाएगा, गोपनीयता को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए सरकार भी गंभीर है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चंडीगढ़ में बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह तय किया गया कि इस बारे संयुक्त रणनीति बनाई जाएगी। वहीं पुलिस भी इंटर स्टेट ऑपरेशन कर चिट्टा के कारोबारियों और नशेड़ियों पर शिकंजा कसेगी, जिसके तहत कांगड़ा और पठानकोट, नाहन, पंचकुला, बद्दी आदि क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए वे स्वयं और अन्य उच्च अधिकारी समय पर थाना चौकियों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस अवसर पर IG सेंट्रल जोन कपिल शर्मा और SP मंडी गुरुदेव शर्मा भी मौजूद रहे। एक मुख्यमंत्री लेवल पर भी जो कॉन्फ्रेंस हुई है और चंडीगढ़ में पंचकुला में एक सेक्रेटरीट बनाने का डिसीजन हुआ है, जिसमें इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनेगी। इसके अलावा हम लोगों ने भी नेबरिंग स्टेट के साथ ज्वाइंट अभियान शुरू किया है, धर्मशाला में, ऊना में, बिलासपुर में, बद्दी में, सोलन में और सिरमौर में, और इसमें भी काफी हम कामयाबी हासिल कर सके। इसके अलावा जो है नशा निवारण समिति हमने हरेक थाने में स्टार्ट किया है और लोगों से जो इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुआ है और लोगों को हमने एश्योरेंस दिया है कि ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और जो इसमें इसके थ्रू हम अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं और जो ड्रग एडिक्ट से उनको आइडेंटिफाई भी करा रहे हैं और उनके पेरेंट्स को समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि ये नशा को जो है हम छुड़ा सकते हैं, तो और उनका भी निजता का ख्याल रखा जाए। तो इन तमाम एफर्ट्स से थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। इसके अलावा हमने एक सेलिब्रिटी कैंपेन भी शुरू किया है, जो फिल्म स्टार से स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है या हिज होलीनेस दलाई लामा जी है, हमारे गवर्नर है, अभी हाल ही में मिल्खा सिंह जी है, इन सबसे मैसेजेस हमने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पब्लिसिटी दे रहे हैं ताकि इसमें एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए और हमारे ऑफिसर्स भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके कैंप अवेयरनेस करा रहे हैं इसके बारे में। तमाम एफर्ट से उम्मीद है कि हालात सुधरेगा।